हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ 12th पार्ट ऑफ द आर्डिनो सीरीज़ एंड इन द प्रीवियस पार्ट आई एक्सप्लेन मोटर ड्राइवर्स फॉर डीसी मोटर्स। प्लीज़ सी माय प्रीवियस पार्ट फॉर मोटर ड्राइवर्स। और इस वीडियो में हम मोटर ड्राइवर का यूज़ करने वाले हैं रोबोट बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। आपको चाहिए एक आर्डिनो यूनो बोर्ड, एक चाहिए आपको मोटर ड्राइवर, हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं L298N मोटर ड्राइवर। एक चेसिस चाहिए मोटर्स को फिट करने के लिए, आप कोई भी चेसिस यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये चेसिस यूज़ किया है। दो सेट आपको चाहिए व्हील्स, क्योंकि मैंने दो मोटर्स यूज़ किया तो दो व्हील आपको चाहिए। टू सेट्स ऑफ 12 वोल्ट DC मोटर, एक ब्रेडबोर्ड, क्योंकि कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो इसके लिए एक ब्रेडबोर्ड मिनी भी यूज़ कर सकते हैं आप। जंपर्स वायर्स, मेल फीमेल जंपर वायर, यहाँ पर डबल साइडेड एडहेसिव टेप, ये कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं रोबोट बनाने के लिए। इसके बाद वन बाय वन कनेक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया दो DC मोटर, 12 वोल्ट DC मोटर। मोटर्स का कनेक्शन कर लेते हैं जंपर वायर से सोल्डरिंग करके। सोल्डरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब चेसिस को लेके इसमें अपने मोटर को फिट कर लेते हैं। मोटर्स में व्हील्स को अटैच कर लेते हैं। अब ले लेते हैं ब्रेडबोर्ड आर्डिनो यूनो और L298N मोटर ड्राइवर। मोटर्स को सबसे पहले मोटर ड्राइवर में कनेक्ट कर लेते हैं। अब एनेबल पिन और इनपुट पिन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो एनेबल पिन्स होते हैं और चार इनपुट पिन्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर चार आप देख रहे हैं, तो चार इनपुट पिन्स हैं और दो एनेबल पिन्स हैं। तो यहाँ पर आपको पांच ही पिन्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके जो एनेबल टू है और उसमें जंपर्स लगा हो तो उसमें डायरेक्टली 5 वोल्ट सप्लाई होते रहता है। अगर आपके में जंपर्स नहीं लगा है तो उसको एक जंपर वायर से कनेक्ट कीजिए और उसमें 5 वोल्ट आपको सप्लाई देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो चार इनपुट पिन्स हैं उसको आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट करने वाला हूँ, और मैं यूज़ कर रहा हूँ 2, 3, 4 एंड 5। तो हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। अब मोटर्स को रन करने के लिए 12 वोल्ट का एक बैटरी ले लेते हैं। आप 9 वोल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो मोटर है वो स्लो रन करेगी। बैटरी का एक कनेक्शन आपके मोटर ड्राइवर से कनेक्ट होगा पिन नंबर 1 पे, और दूसरा ग्राउंड पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोग्राम को आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर लेते हैं। तो मैं आपको कोड के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने
जो चार हमने डिजिटल पिंस लिए हैं उसको हमने डिफाइन किया है M1, M2, M3 एंड M4 के लिए। तो ये फर्स्ट मोटर के लिए आपने लिया है टू नंबर पिन और थ्री नंबर पिन, इनपुट 1 एंड इनपुट 2 के लिए M1 और M2 लिया है, और आपका जो इनपुट 3 और इनपुट 4 है उसके लिए M3 एंड M4 वेरिएबल लिया है। और हमको वाइट सेटअप में बताना होता है कि वो जो पिन हमने लिया है डिजिटल पिन वो इनपुट पिन है फिर आउटपुट पिन है, तो सभी पिन क्या है आपके आउटपुट पिन हैं। वाइट लूप में आ जाते हैं, इसमें सिंपल सा आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा जो आपको फॉरवर्ड है, मतलब आपके रोबोट को फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव करना है, मतलब आपका जो रोबोट है वो आगे जाएगा। तो उसके लिए देखिए कैसे करते हैं। तो हमारा जो इनपुट है, जो मोटर वन का इनपुट है, हमको उसको ही बस लो और हाई करना पड़ता है। तो जो आपका इनपुट वन है M1 उसको हमने लो दिया है, जो उसका इनपुट टू है उसको हाई दिया है, ठीक है। और आपका जो सेकेंड मोटर है उसको लो दिया है और नेक्स्ट इनपुट को हाई दिया है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट मोटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा और जो आपका सेकेंड मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। तो इस तरीके से आपका जो रोबोट है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, और ये कितने सेकेंड के लिए मूव होगा, 10 सेकेंड के लिए। सिमिलरली आपका जो रोबोट है वो बैकवर्ड जाएगा, मतलब पीछे जाएगा। उसके लिए बस हमने पहले हाई दिया था उसको आप जस्ट लो हाई कीजिए और लो कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाई और लो कीजिए, बस आपको पोलैरिटी चेंज करनी है। तो आपका जो मोटर है वो पीछे आना चालू हो जाएगा, और कितने सेकंड के लिए होगा ये, 10 सेकंड के लिए। लेफ्ट हैंड कैसे लेगा वो, एक मोटर ऑन रखना है और एक मोटर ऑफ करना है, तो आपका जो रोबोट है वो लेफ्ट हैंड ले लेगा। तो देखिए हमने पहले जो एक मोटर को लो सप्लाई दिया है, मतलब 0 वोल्ट सप्लाई दिया है, तो वो ऑफ रहेगा, और दूसरा मोटर रोटेट करेगा तो वो लेफ्ट हैंड लेगा। और ये कितने समय के लिए लेफ्ट हैंड लेगा, 10 सेकंड के लिए। वैसे राइट टर्न के लिए आपको सेकंड वाले मोटर को ऑफ रखना है और फर्स्ट मोटर को पावर देना है, तो उससे आपका जो रोबोट है वो राइट टर्न करेगा। और कितने समय के लिए राइट टर्न करेगा, 10 सेकंड के लिए। अगर आपको स्टॉप करना है आपके रोबोट को या मोटर्स को, मतलब 0 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। तो देखिए लो, हमने सभी को लो सप्लाई दिया है, और कितने सेकंड के लिए स्टॉप रहेगा आपका रोबोट, 10 सेकंड के लिए। फिर से ये कंटिन्यूसली लूप में चलते रहेगा, फॉरवर्ड जाएगा 1 सेकंड, 1 सेकंड आपका बैकवर्ड जाएगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा, देन राइट टर्न, फिर 1 सेकंड के लिए स्टॉप रहेगा। ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने कोड को अपलोड कर लिया है और उनो बोर्ड को बैटरी से पावर मिल रही है। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोड ये 10 सेकंड फॉरवर्ड जाएगा, मतलब आगे जाएगा, और 10 सेकंड पीछे आएगा, रिवर्स रोटेट हो रहा है। देन उसके बाद राइट टर्न, तो आप देखो लेफ्ट साइड का मोटर ऑफ हो गया और लेफ्ट साइड का मोटर रन कर रहा है। देन 10 सेकंड के बाद लेफ्ट साइड का ऑफ हो जाएगा और राइट साइड का ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, तो ये लेफ्ट टर्न कर लेगा। देन 10 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कोड को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये स्टॉप है, तो देखिए फिर 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।